electronic theory of electric charges. We have studied what is meant by electrical charges. There were two type of charges, positive charges and negative charges. जैसे जैसे हमारी रिसर्च आगे बढ़ी, हम लोगों को पता लगा कि सबसे छोटा पार्टिकल जो मॉलिक्यूल होता है वो भी बहुत सारे एटम्स से कंबाइंड होके बनता है, और बेसिक एंटाइटी एलिमेंट कौन होता है? एटम। एटम पे नेट चार्ज क्या होता है? जीरो। उसके बाद हमने ये देखा कि एटम में भी और दो छोटे पार्टिकल होते हैं, छोटे एंटाइटी होते हैं, उसमें एक होता है इलेक्ट्रॉन और एक होता है न्यूक्लियस, जिसमें जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं सब पर नेगेटिव चार्ज होता है और सेम इक्वल नंबर के पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के पास होते हैं। इस तरह से एक एटम के अंदर नेट चार्ज कितना होगा? जीरो। ये हम लोगों ने स्टडी किया है कि चार्ज तो है लेकिन उसके पास इलेक्ट्रिकल चार्ज की ताकत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि नेट चार्ज नहीं है। उसका नेट चार्ज कितना हो जा रहा है? जीरो। ओके, तो इलेक्ट्रॉन थ्योरी में पहली चीज, एन एटम कंसिस्ट ऑफ टू पार्टिकल्स नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स एंड इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस विथ न्यूक्लियस। सेकेंड पॉइंट, व्हेनेवर एन इलेक्ट्रॉन एंटर्स एन एटम, an electron enters atom, then the negatively charged particles increase and it acquires a negative charge, right? ye kisko explain kiya? Negative charge material ko. Second, whenever from the atom one electron goes out, then its net charge become positive. To positive particle kaise banta hai? इलेक्ट्रॉन उसमें से निकल गया। ओके, सो दिस इज हाउ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल एंड पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल आर क्रिएटेड। इन क्रिएशन ऑफ बोथ हु इज रिस्पॉन्सिबल? आंसर, इलेक्ट्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल इन क्रिएशन ऑफ नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव चार्जेस। तो कोई भी मटेरियल भले पॉजिटिव बन रहा हो या नेगेटिव बन रहा हो, चलना किसको पड़ता है? इलेक्ट्रॉन को ही चलना पड़ता है। सो इलेक्ट्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिफिकेशन। इलेक्ट्रॉन के आने या जाने के बाद जो नेट चार्ज रहेगा, दैट इज चार्ज ऑफ द एटम एंड दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ द मटेरियल। दिस इज इलेक्ट्रॉन थ्योरी। इट्स वेरी सिंपल। इलेक्ट्रॉन इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल, उसको और तोड़ा नहीं जा सकता, इसलिए उसके अंदर और क्या होता है? वी कैन नॉट सी। सबसे छोटा पार्टिकल है और उसके पास दोनों प्रॉपर्टी है, उसके पास मास भी है और उसके पास चार्ज भी। तो जब भी वो किसी बॉडी में से निकलेगा, इसका चार्ज पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, सो दिस इज इलेक्ट्रॉन थ्योरी एंड नाउ वी कैन राइट इट that who is responsible for electrical charges. Theory. Now, there is a small question that why it is negatively charged electron which goes out or enters an atom to create a charge? Why not positively charged particle move out and enter an atom? The answer is, the positively charged particle nucleus is very very heavy compared to electron. Only a single proton or a single neutron, which is 1837 times heavier than electron. And there are number of protons in the nucleus bound together. Therefore, they cannot move because of their inertia, because of their heaviness. वो इतने भारी होते हैं, उनमें इतना inertia होता है कि वो move नहीं करते। तो जब थोड़ी सी energy आती है, जिसके कारण एक particle को निकल जाना चाहिए, तो कौन पहले निकलेगा? Answer है, जो हल्का होगा वो पहले निकलेगा। इसलिए पहले कौन निकलता है? इलेक्ट्रॉन।
तो इसलिए जब भी निकलने की जरूरत पड़ेगी तो कौन निकलेगा? इलेक्ट्रॉन। सो प्रोटॉन भी बॉडी पॉजिटिव हो रही है या निगेटिव हो रही है, दोनों के लिए चलना किसको है? इलेक्ट्रॉन को ही चलना है, या तो निकल जाना है या एंटर करना है, पर चलना इलेक्ट्रॉन को ही है। सो इलेक्ट्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गेटिंग द चार्ज, दैट इज इलेक्ट्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिफिकेशन। सो दिस इज इलेक्ट्रॉन थ्योरी। नाउ आफ्टर दैट वी कम्स टू चार्ज and mass relation. Now charge and mass relation. This means whenever a body gets positively charged or negatively charged. पहले क्या थी? Neutral. Neutral से positive या negatively charged हो गई, तो क्या उसके mass में कोई difference आएगा? Answer is yes. क्यों? क्योंकि चार्ज कंपल्सरली, व्हाट इज द कंडीशन, कंपल्सरी कंडीशन फॉर द चार्ज, इट इज कैरिड बाय मटेरियल ओनली, बिना मटेरियल के चार्ज नहीं होता। तो अगर हमने ये बोला कि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल के गया तो चार्ज चला गया, ये बॉडी चार्ज हो गई, लेकिन इलेक्ट्रॉन के पास एक दूसरी कैरेक्टरिस्टिक भी होती है, कौन सी? मास। तो इसलिए अगर चार्ज का ट्रांसफर होगा तो कंपल्सरली मास का भी ट्रांसफर होगा। दैट मींस जो बॉडी बाकी बचेगी जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इसका मास कम हो जाएगा, या एक बॉडी में एक इलेक्ट्रॉन आके एंटर किया तो इसका मास ज्यादा हो जाएगा। और हमको जो चार्ज बॉडी मिलेगी वो तभी चार्ज कहलाएगी जब उस पर इलेक्ट्रॉन आया है या उससे इलेक्ट्रॉन निकला। इसका ये मतलब कि चार्ज आएगा तो मास भी आएगा या जाएगा। So there is a change in the mass. Due to exchange of electron, there is change in the mass. Because अब आप मुझे बताएंगे निगेटिवली चार्ज पार्टिकल, निगेटिवली चार्ज बॉडी और पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, इन दोनों में से कौन सी हल्की है, कौन सी भारी है? फिर से जीरो चार्ज, इसको हमने क्या बना दिया? निगेटिव चार्ज। मास कैसा हो जाएगा? इंक्रीज। यस, निगेटिवली चार्ज बॉडी हैज इंक्रीज्ड मास, और पॉजिटिवली चार्ज बॉडी डिक्रीज्ड मास। सो दिस इज चार्ज एंड मास रिलेशन। व्हाट इज द चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन? उसके लिए हमको एक यूनिट बनानी पड़ी। हमने बाद में जाके वो यूनिट बनाई, कूलम्स लॉ में जाके वो यूनिट बनाई, जिसका नाम क्या रखा? कूलम। ओके, कूलम। और सबसे छोटा पार्टिकल जिसके पास इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है वो कौन है? इलेक्ट्रॉन। उसके और टुकड़े नहीं होते, और उससे कम चार्ज हमको किसी भी चीज पर मिला नहीं अभी तक। हर चीज को हमने एक्सपेरिमेंट कर करके देखा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमको आंख से दिखता नहीं है। हमने इसको रब किया, देखा इसके पास चार्ज आ गया,
इसको रब किया, इसके पास चार्ज आ गया, इसको रब किया, इसके पास चार्ज आ गया। तो हर चीज के पास जो चार्ज आता है उसकी क्वांटिटी कम ज्यादा होती है। ऐसा करते 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 ये हमने देखा कि सबसे कम चार्ज किसके पास होता है, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन के पास। और उस इलेक्ट्रॉन को जब तोड़ने की कोशिश की तो वो टूटता नहीं है। तो ऐसे ये क्या हुआ, एक प्रिलिमिनरी एंटाइटी, सबसे छोटा पार्टिकल। और उसके पास जो इलेक्ट्रॉन होता है वो सबसे छोटा चार्ज, उसके पास जो चार्ज होता है वो सबसे छोटा चार्ज होता है। सो दैट इज नोन एज प्रिलिमिनरी चार्ज। एन इलेक्ट्रॉन हैज गॉट प्रिलिमिनरी चार्ज। प्रिलिमिनरी, बेसिक और फंडामेंटल। कुछ भी इसको कह सकते हैं, फंडामेंटल चार्ज। और इस चार्ज की क्वांटिटी हमने बाद में जाके बनाई, ये कितनी होती है यूनिट में एसआई सिस्टम में, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। कूलम हम लोग बाद में पढ़ेंगे। दिस इज यूनिट ऑफ द चार्ज। जैसे मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम, वैसे ही इसकी यूनिट कूलम, इलेक्ट्रिक चार्ज की। और इसका नेचर हमने पढ़ा है, दो तरह के चार्ज होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है दैट इज नेगेटिव, सो वी पुट हियर नेगेटिव। अब ये जो इतनी बड़ी क्वांटिटी है, इस क्वांटिटी को हमको बार 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 इलेक्ट्रॉन के लिए लिखना पड़ता है। सो वी मेक ए शॉर्टकट फॉर दैट, सिंबॉल फॉर दैट, एंड दैट सिंबॉल इज ई। ई इलेक्ट्रॉन, दिस इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। अब अगर ये नेगेटिव है वी कैन राइट इट माइनस ई। सो दिस इज चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। तो जहां भी हम माइनस ई चार्ज लिखेंगे दैट मीन्स दिस मच इज द चार्ज। ओके, हमने ये भी देखा ये सबसे छोटा एंटाइटी है, और इस सबसे छोटे एंटाइटी का कुछ मास भी होता है। जो जनरल मटेरियल व्हाट वी सी अराउंड अस, इसमें हमने एक खास चीज देखी, वो ये था कि अगर ये एक बॉडी को मैं ऐसे रब करता हूं तो यहां पर चार्ज आता है और ये चार्ज किसी भी पार्टिकल को ऐसे उठा लेता है, पेपर के पीस को ये उठा लेता है। अच्छा, अब इसका मैंने ऐसे घुमाया और इसको पेपर के ऊपर रखा, इसने पेपर को नहीं उठाया। हो सकता है ये दूसरा पार्टिकल लिया, इसको मैंने ऐसे रब किया तो देखा कि ये इसको उठाता है, इसको घुमाया और ये पार्टिकल को रखा, ये भी पेपर को उठाता है, जबकि मैंने रब इस कॉर्नर को किया था। ये ऐसा बिहेव क्यों करता है और ये ऐसा बिहेव क्यों करता है, देखा हमने नेचर में करता है। तो उसका रीजन हमने ये निकाला कि ये एक ऐसा मटेरियल है जिसके हमने यहां पर चार्ज बनाया और इसने अलाउ किया कि वो चार्ज यहां 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 सब जगह चला गया। तब जब हम इसको ऐसा करते हैं तो इसके पास भी चार्ज की ताकत आ गई और इसके पास भी चार्ज की ताकत आ गई। तो ये क्या करता है, चार्ज का चलना, चार्ज का कंडक्ट होना अलाउ करता है, कंडक्ट होना अलाउ करता है। ये क्या करता है, ये वाला हिस्सा, यहां हमने ऐसे चार्ज इसको बनाया, इस पार्टिकल में तो चार्ज आया पर इधर नहीं आया, इसने अपने अंदर से चार्ज को चलने नहीं दिया। दोनों मटेरियल हमको नेचर में मिलते हैं, उनका नाम रख दिया हमने। इसका नाम क्या रखा, यस, कंडक्टर। क्या नाम रखा, कंडक्टर, जिसके अंदर से चार्ज मूव कर सकता है, फ्लो कर सकता है, और जिसमें नहीं मूव कर सकता, इंसुलेटर। ये हमने क्लासिफिकेशन किया। तो मटेरियल का एक तरह का क्लासिफिकेशन हो गया विद रेफरेंस टू देयर इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक। कौन सी कैरेक्टरिस्टिक, वेदर इट विल अलाउ कंडक्शन और इट विल नॉट अलाउ कंडक्शन। सो दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल। सो वी विल राइट क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल। Thank you.
allows charges to move, do not allow charges to move. Okay. अब इसमें भी हमने और कैटेगराइजेशन देखा. जब हम किसी बॉडी को चार्ज देते हैं, किसी में बड़ी आसानी से जल्दी से मूव होता है और किसी में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है, धीरे धीरे मूव करता है, कम मूव करता है, तो हम क्या कहते हैं कि एक मटेरियल अच्छा कंडक्टर है और एक बुरा कंडक्टर है. तो हमने ना उस कैरेक्टरिस्टिक का नाम रखा और उसका नाम रखा गया कंडक्टिविटी. जिसके पास ज्यादा कंडक्टिविटी है वो एक सेकंड में 1,00,000 चार्ज इधर से इधर पहुंचा देगा, और जिसकी कंडक्टिविटी कम है वो 50,000 इधर से इधर पहुंचाएगा. पहुंचाएंगे दोनों, दोनों कंडक्शन करेंगे. तो इस चीज को डिफरेंशिएट करने के लिए जो कैरेक्टरिस्टिक है, जो गुण है, उसका नाम हमने क्या रखा, कंडक्टिविटी. सो एक अच्छे कंडक्टर में क्या ज्यादा होनी चाहिए, तो आंसर है कंडक्टिविटी ज्यादा होनी चाहिए. प्रॉपर्टी और कैरेक्टरिस्टिक, कंडक्टिविटी. तो अब आप कंडक्टिविटी का मीनिंग समझ जाएंगे. दूसरा, इंसुलेटर क्या काम में आते हैं. आंसर है इंसुलेटर बहुत ज्यादा काम में आते हैं. अगर ये कंडक्ट नहीं करते तो हमारे किस काम के. तो आंसर है, इसका आंसर वही है जैसे अगर आपको हम एक मोटरसाइकिल देते हैं और ये बोलते हैं कि इसका इंजन बहुत अच्छा है, इसके टायर बहुत अच्छे हैं और ये 10 सेकंड के अंदर 100 की स्पीड में पहुंच जाती है, पेट्रोल भरा हुआ है, ले जाओ और खूब तेजी से चलाओ. बस एक ही चीज दिमाग में रखना, इसमें ब्रेक नहीं है. आप चलाओगे क्या? नहीं चला सकते. तो ब्रेक तो चाहिए, नहीं तो वो तो यू नो व्हाट विल हैपन. इसी तरह से अगर एक बॉडी कंडक्टर ही कंडक्टर है और हमने उसको पावर हाउस से अपने घर तक चार्ज लाने के लिए लगाया कि चार्ज के साथ वो पावर लेके आएगी. अब रास्ते में इतनी लंबी तार हम लगा नहीं सकते, हमने रास्ते में एक खंभा लगाया और वो जो चार्ज वहां से चला था, खंभे से उतरा और जमीन में चला गया, हमारे घर तक आया नहीं. तो हम अपने घर तक चार्ज लाएंगे कैसे, ठीक है? और अगर हम जिस चार्ज को लेकर आएंगे, हम जहां उस तार को पकड़ेंगे, चार्ज हमारे ही बॉडी से जाना शुरू हो जाएगा, हमको शॉक लगेगा. तो फिर हमारे बल्ब में कैसे आएगा इलेक्ट्रिक चार्ज? तो बहुत जरूरी है कि हम एक ऐसा मटेरियल रखे जो चार्ज को बाहर जाने मत दे, उसके रास्ते पर ही उसको गाइड करके ले जाए. अगर मैंने आपको एक पानी की टंकी दी कि इसमें बहुत पानी है, छत पे रख लो और अपने बाथरूम तक ले आना, पाइप मत लगाना, तो आप नहीं कर सकते, नहीं ला सकते उसको. आपको पानी को गाइड करने के लिए पाइप चाहिए. और पाइप की स्पेशलिटी क्या होती है कि जो उसकी दीवारें हैं वो पानी को जाने नहीं देती. अगर वही पानी को जाने देंगी तो पानी हमारे पास कैसे आएगा. इसलिए अगर आपको किसी चीज को कंडक्ट करना जरूरी है तो उसके चारों तरफ क्या रखना जरूरी है, इंसुलेटर. बिना इंसुलेटर के आप किसी भी चीज को कंडक्ट नहीं कर सकते प्रैक्टिकली. इसलिए हमारे लिए इंसुलेटर बहुत जरूरी है. ठीक, तो इंसुलेटर में क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए. अब इस डिस्कशन से हमको ये पता लगता है कि इंसुलेटर में प्रॉपर्टी ये होनी चाहिए कि वो चार्ज को बिल्कुल बाहर मत जाने दे, लेकिन हम देखते हैं थोड़ा थोड़ा जाने देता है. तो जो एक घंटे में 50 चार्ज को बाहर जाने देता है एक इंसुलेटर, और दूसरा इंसुलेटर सिर्फ 10 को बाहर जाने देता है, तो हम क्या कहेंगे, कौन सा इंसुलेटर अच्छा है, जो सिर्फ 10 को जाने देता है. और जो 50 को जाने देता है उसको हम क्या बोलेंगे, इसमें से चार्ज लीक हो रहा है, ये अच्छा इंसुलेटर नहीं. तो हमने उस कैरेक्टरिस्टिक का नाम रखा जो ये बताती है कि एक इंसुलेटर अपने काम में बहुत अच्छा है, रोकने में, इंसुलेट करने में. तो उसका नाम क्या रखा गया, उसको हम जनरल भाषा में तो इंसुलेशन कहते हैं. इलेक्ट्रिकली दिस इज नोन एज डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ. डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का क्या मतलब होता है, देखिए
ये एक इंसुलेटर है और ये एक कंडक्टर है। इस कंडक्टर से चार्ज ऐसे जा रहा है, इसकी ड्यूटी क्या है? इसकी ड्यूटी है कि इस चार्ज को यहाँ बाहर मत आने दें, क्योंकि यहाँ हमने खंभा लगाया हुआ है अर्थ के साथ। ये अगर इसमें से इसने अलाउ किया तो ये यहाँ से यहाँ आएगा और इस खंभे में से अर्थ में चला जाएगा, हमारे घर तक नहीं आएगा। तो हम चाहते हैं कि इसमें से मत आए। तो इसको जब हम चार्ज देते हैं तो इसमें ना रिपल्शन होता है चार्जेस का आपस में, इतना तेजी से रिपल्शन होता है कि वो चार्ज यहां से निकल के इसमें जाना चाहते। जब वो इसमें जाना चाहते हैं तो ये नहीं जाने देता, यही तो इंसुलेटर है। ओके, इसके बाद ये क्या करते हैं, ये बहुत ज्यादा अपने में पावर ले आते हैं। क्यों? पहले ये सिर्फ दो थे, फिर 200 हुए, फिर 2 लाख हुए, फिर 2 करोड़ हो गए चार्जेस। सोचो आपस में कितना रिपल्शन होगा। जब 2 करोड़ ये हो गए तो इतना फोर्स लगा कि ये रोक नहीं सका, आने दिया, और वो चार्ज इसमें से होके अर्थ में चला गया, ये टूट गया। टूट गया मतलब इसकी प्रॉपर्टी टूट गई। तो इसकी स्ट्रेंथ कितनी थी 2 करोड़ चार्ज को रोकने की, अब हमने ले जाने हैं 4 करोड़। तो हम क्या करते हैं, ये इतना मोटा लगा देते। तो हमने क्या बढ़ा दी उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, बढ़ा दी। तो एक इंसुलेशन में क्या ज्यादा होनी चाहिए, उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ज्यादा होनी चाहिए। ये किसकर को टेस्ट किया, 500 वोल्ट पे रोकता है, नहीं आने देता करंट को। फिर उसको हम 1000 वोल्ट पे ले गए, 2000 पे ले गए, 10000 पे ले गए। 10000 पे भी हमने देखा कि हमने ये प्लास्टिक लगाया, इधर टच कराया और इधर बल्ब लगाया, नहीं जलता है 10000 पे। जैसे ही 10001 किया वोल्टेज को, 10001 ये इधर का बल्ब जल गया, जलने लगा, मतलब इसने क्या किया, चार्जेस को आने दिया। तो इसने कब तक रोक के रखा था, 10000 वोल्ट तक रोक के रखा था। वो 10000 वोल्ट इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है और 10001 इसका ब्रेकडाउन पॉइंट है। समझ आया, ये इंसुलेशन का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ और उसका ब्रेकडाउन पॉइंट। इसलिए हर इंसुलेटर हर जगह पर काम में नहीं आता है। अगर हमारे घर के बाहर जो इलेक्ट्रिक वायर लगी है उसमें व्हाइट कलर का चीनी मिट्टी का इतना सा इंसुलेटर लगा है, पर जो टॉवर लगा है खेत में आपने देखा है, टॉवर के ऊपर से बड़ी सी लाइन जाती है, वो तार को खंबे के साथ जब जोड़ते हैं तो ये 3 फुट लंबा काले रंग का पत्थर लगा रहता है, इतना बड़ा इंसुलेटर चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके अंदर 3 लाख वोल्ट है और इतना ज्यादा चार्ज का प्रेशर है कि और कोई छोटा होगा तो ब्रेकडाउन हो जाएगा। सो व्हाट वी वांट मोर, वी वांट डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ टू बी मोर। तो ये डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को हम डिफाइन कैसे करते हैं, इट इज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एट विच द इंसुलेशन ऑफ दैट इंसुलेटर ब्रेक्स डाउन, और इट इज दैट मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड विच इट कैन बियर बिफोर गेटिंग ब्रेक डाउन, दैट इज डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ओके, तो इसको हम लिख सकते हैं, यहां पे लिख लेते हैं, ओके, ये डेफिनेशन आपने नोट कर ली डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की, ये उसका गुण है, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एक इंसुलेटर की प्रॉपर्टी होती है, ये उसमें ज्यादा होना चाहिए। हम जो अपने आसपास मटेरियल देखते उस मटेरियल में कौन से मटेरियल कंडक्टर होते हैं और कौन से इंसुलेटर होते हैं, ये हम लोग जानना चाहेंगे। तो कंडक्टर्स मोस्टली हमने देखा, मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर कंडक्टर्स। तो इसके एग्जाम्पल में हम क्या लिख लेंगे, मेटल्स, और इसमें नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स प्लास्टिक, और ये जो आप देखते हैं चीनी मिट्टी, एबोनाइट, जिसके हमारे स्विच बने होते हैं, स्विच का इंसुलेशन होना जरूरी है, क्योंकि अगर वो इंसुलेटर नहीं होगा तो अंदर जो फ्लो हो रही है करंट, उसके पास जो चार्जेस हैं वो चार्जेस हमारे हाथ में आ जाएंगे।
सो दैट हैज टू बी एन इंसुलेटर, उसके बिना हम ऑपरेट नहीं कर सकते। तार के ऊपर चारों तरफ जो लगा रहता है दैट इज इंसुलेटर, ताकि उसके चार्ज बाहर नहीं आ सके। ओके, अब कुछ और चीजें जो हम यूज करते हैं, जैसे वाटर। वाटर क्या होता है, वेदर इट इज इंसुलेटर और वेदर इट इज कंडक्टर। सो इंसुलेटर के लिए हम दूसरा वर्ड यूज करते हैं, इंसुलेटर इज अ वेरी हार्ड वर्ड, वी यूज नॉन कंडक्टर। जो कंडक्ट नहीं करता वो नॉन कंडक्टर। ओके, तो वाटर जो हमको पानी मिलता है उसको हमने बार बार टेस्ट करके देखा कि वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है कि नहीं करता है, एंड वी कम टू द कंक्लूजन कि अगर वाटर प्योर है, बिल्कुल प्योर है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। सो वाटर इज ए नॉन कंडक्टर। लेकिन जो पानी हम नल से निकाल के लाते हैं, जो पानी हम पीते हैं, उस पानी को जब हम लैब में टेस्ट करते हैं, वी फाइंड दैट इट इज ए कंडक्टर। ठीक है, बाद में उसका रीजन हमको समझ में आया कि उसमें इम्प्योरिटीज होती हैं, मिनरल्स होते हैं, और उसके कारण वो उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है। सो दिस वी विल राइट एज ड्रिंकिंग वाटर, और यहां पर क्या आ जाएगा, प्योर वाटर। ओके, दूसरी चीज, हमारी अपनी बॉडी, ह्यूमन बॉडी, इज इट ए कंडक्टर और ए नॉन कंडक्टर। इट इज ए कंडक्टर, यानी इसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है। ये बहुत डिबेट का सब्जेक्ट होता था, वेदर इट इज ए कंडक्टर और नॉन कंडक्टर, क्योंकि स्किन रबर जैसी होती है, प्लास्टिक जैसी होती है। रबर और प्लास्टिक दोनों क्या है, नॉन कंडक्टर्स। तो फिर कंडक्टिविटी कैसे आई इसमें हमारी बॉडी में? एनीवे, बाद में जब हम और एडवांस स्टडी करेंगे, वी विल कम टू नो कि हमारी स्किन में जो पसीना होता है, ओके, उसमें मिनरल्स होते हैं, आयंस होते हैं, और हमारा ब्लड जो है उसमें भी सोडियम के आयंस होते हैं, सोडियम क्लोराइड। ओके, बिकॉज ऑफ दीज आयंस, आयंस आर चार्ज पार्टिकल्स, बिकॉज ऑफ दीज आयंस द बॉडी, ह्यूमन बॉडी बिकम्स ए कंडक्टर। तो ह्यूमन बॉडी एक कंडक्टर होती है। तो पहले इस पर बहुत बहस होती थी शुरू में, जब इलेक्ट्रोस्टैटिक का आविष्कार हुआ था, तो यहां तक कि एक बार एक साइंटिस्ट ने, जिन्होंने क्लेम किया कि ह्यूमन बॉडी कंडक्टर होती है, मैं आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगा, शहर के चौक में उन्होंने अपने आप को बॉडी से लटकाया, एक झूले से लटका लिया ऐसे फ्लैट। लटकाने के बाद उन्होंने अपने पैर के पास एक चार्ज बॉडी को टच कराया, और हाथ से इधर जो पेपर के पीस कटे हुए थे उसके ऊपर ऐसे उंगली रखी, उधर पैर में चार्ज बॉडी को टच कराया, और उंगली के नीचे कौन थे, पार्टिकल्स। तो जैसे ही उधर टच कराया, ये पार्टिकल इसने खींच लिए उंगली ने। व्हाट डज दैट शो, कि चार्ज पूरी बॉडी में से चल के आया और उसने इधर खींच लिया। एनीवे, दैट इज ए हिस्टोरिकल स्टोरी। सो दीज आर दी टू थिंग्स, इसमें जो जो चीजें हमको मिलती जाएंगी, वी विल कीप ऑन डिस्कसिंग वेदर दे आर इंसुलेटर्स और दे आर कंडक्टर्स। ओके, विद एडवांस ऑफ साइंस हमको बाद में कुछ और चीजें मिली जिनकी प्रॉपर्टी इन दोनों के बीच थी। जैसे सिलिकॉन एक ऐसा मटेरियल मिला, देखिए आपने वो पीरियोडिक टेबल पढ़ा है, जिसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन हो, जैसे सोडियम कॉपर एंड एल्यूमिनियम, ये तीनों क्या है, मेटल। जिसके पास 5, 6, 7 होते हैं कंपल्सरली नॉन मेटल्स, वो क्या होते हैं, नॉन कंडक्टर्स, और मेटल वाले कंडक्टर। जिसके पास 4 होते हाफ, वो क्या होते, दोज आर सेमी कंडक्टर्स। एक नई कैटेगरी बनी, वो ये भी बन सकते हैं कंडक्टर और इंसुलेटर भी बन सकते हैं, दैट इज अनदर कैटेगरी, सेमी कंडक्टर। और उसका एक बड़ा सिंपल टेस्ट है, जैसे सिलिकॉन या जर्मेनियम, इनके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में होते हैं, इनको जब हम
हीट करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, तो ये कंडक्टर बन जाते हैं, और जब इनको ठंडा करते हैं तो ये इंसुलेटर बन जाते हैं। सेम मटेरियल, तो ये मटेरियल हमारे बहुत काम के मटेरियल थे और इसने हमारी पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया बनाई है, सेमीकंडक्टर्स ने। जो भी हम यूज कर रहे हैं, मोबाइल, कंप्यूटर्स, रेडियो, टीवी, हर एक के अंदर यही सेमीकंडक्टर्स होते हैं। सो दैट इज अ वेरी लार्ज कैटेगरी इन इटसेल्फ, वो अपने आप में पूरा एक सब्जेक्ट बन गया है। सो दैट कैटेगरी वी विल मेंशन हियर एज सेमीकंडक्टर्स। Yes, so these are semiconductors. अब हमको अपने आसपास वेरी लेटेस्ट, लेटेस्ट मीन्स लास्ट 30-40 ईयर्स में एक और कैटेगरी मिली है जो कि कंडक्टर से भी ज्यादा कंडक्टर होती है, यानी उसमें रेसिस्टेंस बिल्कुल नहीं होता। आप अगर उसमें से इधर से चार्ज भेज दीजिए, वो चार्ज उसमें चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा, और कोई भी चीज रुकती क्यों है? क्योंकि फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन के कारण कोई चीज रुक जाती है। फ्रिक्शन क्या है? अपोजिशन। सो व्हेन ए चार्ज मूव्स इन ए कंडक्टर, देयर इज ए अपोजिशन व्हिच वी विल कॉल रेसिस्टर और रेसिस्टेंस। एक ऐसा मटेरियल होता है जो बिल्कुल ही रेसिस्ट नहीं करता, तो चार्ज कब तक चलता जाएगा? आंसर है इंफिनिटी तक चलता जाएगा। कितने टाइम तक चलता रहेगा? हमेशा चलता रहेगा, कभी रुकेगा नहीं। ऐसे भी मटेरियल होते हैं, और उसमें कौन सी प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा हो गई? कंडक्टिविटी। सो दे आर नोन एज सुपर कंडक्टर्स, सुपर कंडक्टर्स। सो व्हेन वी गो टू द चैप्टर ऑफ रेसिस्टेंस वी विल स्टडी मोर अबाउट इट। सुपर कंडक्टर्स, ओके। सो दिस इज कैटेगराइजेशन ऑफ मटीरियल।